नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज चौरान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर फिल्म्स। और सभी पशुपालक भाइयों का, सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु का दूध बढ़ाने का। पशु का दूध बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के नुस्खे अपनाते हैं, कई प्रकार के देसी तरीके अपनाते हैं, मेडिसिन देते हैं या फिर कई प्रकार का जो मार्केट से हम केमिकल ला के पशु को देते हैं, उसके बावजूद भी पशु का दूध बढ़ नहीं पाता है। और जब पशु का दूध बढ़ नहीं पाता है तो पशुपालक का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। और हर पशुपालक का सपना होता है कि पशु का दूध बढ़े और पशु की दूध की मात्रा के अंदर फैट भी बढ़े। हर पशुपालक भाई का सपना होता है। और हम कई प्रकार की खल देते हैं, सरसों की खल, बिनोना खल, मूंगफली की खल, तिल की खल। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खल बताने जा रहा हूँ जिसको देने से पशु का डेफिनेट दूध बढ़ेगा। वैसे आपने सभी प्रकार की खल दी होगी लेकिन इन खल को देने से पशु का दूध बढ़ नहीं पाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देने से पशु का 30-40% दूध बढ़ता है, वो भी 3-4 दिन के अंदर। दोस्तों, आपने सफेद तिल का नाम सुना होगा। सफेद तिल की खल देने से पशु का डेफिनेट 30-40% दूध बढ़ जाता है। यानी जो पशु 10 लीटर दूध दे रहा है वो 13-14 लीटर दूध देना शुरू कर देगा। सफेद तिल के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे पशु का दूध बढ़ता है। और दूध बनाने के लिए कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। इस फीड के अलावा और किसी फीड के अंदर इतनी मात्रा के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। अब बात करेंगे इसको किस प्रकार से देना है। तो इसको देने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप पशु को दे रहे हैं तो आपको 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के अंदर भिगोना है। एक पशु को 500 ग्राम सफेद तिल की खल देना है। सफेद तिल की खल को हमेशा सिंगल नहीं देना है, आप किसी फीड के अंदर मिला के देना है। यदि आप दलिया दे रहे हैं या कई प्रकार का फीड देते हैं तो उनके अंदर आपको 500 ग्राम ये सफेद तिल की खल मिला देना है। सुबह 500 ग्राम देना है और 500 ग्राम ही शाम को देना है। यदि आप ऐसा देते हैं तो 3-4 दिन के अंदर आपका 30-40% दूध पशु का बढ़ जाएगा। और पशु के दूध के साथ साथ इसका फैट भी बढ़ेगा क्योंकि इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन, कई प्रकार के से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पशु के लिए बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से हम पशु को देके पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। फिर आपके सामने से लेटेस्ट, यूनिक और डिफरेंट वीडियो लेके प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।